हेलो एंड वेलकम बैक टू इवेल्युएशन आईएएस। वैसे तो वेलकम करने जैसा कुछ भी नहीं है, बट अभी 28 मई को जो पेपर हुआ जनरल स्टडीज़ का, उसके बाद सीसेट का, तो खैर जीएस के रैंडम पेपर के ऊपर तो अभी बात नहीं करेंगे, उसका एक अलग डिबेट है। बट जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो बिल्कुल अनफेयर तरीके से जो पेपर कंडक्ट कराया यूपीएससी ने सीसेट का, ठीक है, तो उसके ऊपर आज का डिस्कशन है। इसमें इस वीडियो में जो सबसे रिलेवेंट केस है हमारे पास, सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी, ये केस की हियरिंग आज यानी कि 9 जून को होने वाली है, ठीक है। इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में इस केस को फाइल किया गया है, और जो बिल्कुल अनरीजनेबल और आउट ऑफ सिलेबस, जो मतलब बोले तो बहुत ही बकवास पेपर जो सेट किया गया। खैर विद ऑल रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, बिकॉज हमें प्रोटेस्ट करना है विद इन द जो प्रोसीजर है और जो मतलब रिजनेबल तरीका है, उस तरीके से प्रोटेस्ट करना है और हमें अपनी बात पहुंचानी है। हालांकि बहुत सारे टीचर्स हमारे जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है उसके सपोर्ट में आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। ये है वीडियो श्री मधुकर कोटावे सर, जो एजुकेटर हैं, जो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियोज़ बनाते हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत फेमस है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो फर्स्ट। सर इस वीडियो में थोड़े ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, और गुस्सा बिल्कुल एक तरह से वाजिब भी है। खैर अब ये मुदित गुप्ता सर हैं अनअकैडमी के ही, इनका ओपिनियन क्या है? और सर का ओपिनियन जो है, और हाँ साथ में एक चीज़ और कि ट्विटर के ऊपर अगर आपकी आईडी खुद की नहीं भी है तो प्लीज़ विजिट ट्विटर, और वहाँ जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन को थोड़ी और मजबूती प्रदान कीजिए। देखिए सर ने भी, मुदित गुप्ता सर ने भी ट्वीट किया वहाँ पे, और साथ में हैशटैग अनफेयर सीसैट 2023 इसको लगाना ना भूलें, और टैग कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको हम ऐड ना करें, ठीक है, वीडियो में टैग ना करें उनको, ताकि मतलब ये इसे नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल एक एस्पिरेंट कम्युनिटी का मूवमेंट जहां टीचर सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उस तरीके से मूवमेंट को आगे लेके चलना है। एनीवे जो कॉन्टेक्स्ट है कि अब देखो कि कारण क्या है तो पता है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे यूपीएससी ने, सबसे बड़ा वो है देखो कि सीसेट में हर साल बहुत लोग फेल होते हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, मैं भी सीसेट में फेल हुआ हूँ। तो अब मैं अपनी कमी जानता था 2020 में कि भाई मैं खुद पढ़ा नहीं, अब बहुत सारे कम्युनिटी में ही लोग हैं कि, लेकिन इस बार का जो पेपर है अनरीजनेबल है। और देखिए कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बेसिकली आया है आईआईटी जी 2000 में, ठीक है, अपना जो टेलीग्राम पे ग्रुप है अनफेयर सीसेट करके, उससे मैंने इसको पिकअप किया है कि देखिए जो केस लॉ बनाया गया ना उसके डॉक्यूमेंट में सारा मेंशन है, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, इसको डाउनलोड कर लेना। और इसको देखिए कि एक क्वेश्चन बेसिकली आया, सेट ए जो है सी सेट का, जो सेट ए है उसका 36 नंबर क्वेश्चन आप जाके पढ़िए, अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज में कुछ दिक्कत आ रही है, बिकॉज ज़्यादा एडिट करने का टाइम बिल्कुल नहीं था, बस ये वीडियो आप तक पहुँचानी थी। देखिए अब ये जी एडवांस आई टी जी
2000 का क्वेश्चन है, साल 2000 का, आज की 23 साल पहले का क्वेश्चन है, क्या रिलेवेंस बनता है? मुझे तो बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे हो सकता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हों उनके लिए ये पेपर थोड़ा आसान हो, कुछ क्वेश्चन आसान हो, पास कर जाए, लेकिन जिनका ह्यूमनिटी बैकग्राउंड है वो कहाँ से इस क्वेश्चन को ट्रेस कर पाएंगे? और इसमें क्लास 10th का लेवल कहीं से नहीं है। मधुर सर वॉज एब्सोल्युटली राइट रिगार्डिंग दिस। और ये देखो अब एक बात और कि भाई जो पेपर में ना सी सेट में अब एक तो चलो 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूटी रहती है कि अब श्योरली आप 27 के 27 नहीं बना सकते, ठीक है। अब रही बात एप्टीट्यूड की, तो अब एक होता है कि भाई पेपर को इजी, मॉडरेट और टफ तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। अब पर्सनली मुझे तो इजी कैटेगरी में मुझे क्वेश्चन दो दो तीन दिखे बस, ठीक है, और बाकी का जो पेपर था मॉडरेट कहीं से मुझे नहीं लगा। अब एक तो है कि भाई जो सिलेबस से ही बाहर है, अगर आपने एक परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा और आप कह रहे हो कि ईजी है, अब लेकिन उसका क्या कि जिसने PNC के बारे में पढ़ा ही नहीं, क्लास 10 तक कहाँ है PNC? इस केस के डॉक्यूमेंट को आप जाके पढ़िएगा तो उसमें आपको मेंशन मिलेगा कि भाई PNC क्लास 11 के सिलेबस में है और वहाँ भी क्वेश्चन बहुत अनरीजनेबल है, ठीक है। आप ये देखिए कि परमोटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पे मेंशन है और ABG एडवांस का है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट ए का 48 एंड 54 है, ये दोनों क्वेश्चन जो है बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पता नहीं क्वेश्चन सेट करने है क्या। और हालांकि जो UPSC की जो खुद की फ्रेटर्निटी है वहां से एक बहुत बड़ा सपोर्ट निकल के आया है, ये है श्री अरुण कुमार सक्सेना सर। ये साल 1994 में UPSC के ना एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहे हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी निकल के आया कि देखिए इनने मुझे लगता है कि फेसबुक पे डाला है, UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर सेट टू एलिमिनेट सीरियस एंड बेनिफिट नॉन सीरियस। बेसिकली इनका ये कहना है कि जो GS 1 का पेपर आया वही बहुत ज़्यादा रैंडम था, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज का गेम बहुत लिमिटेड था और ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अब रैंडम तुक्केबाजी पे था कि जिसका तुक्का लग गया वो ठीक है, वरना नॉलेज का टेस्ट तो बिल्कुल था ही नहीं। मैं मेजोरिटी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, UPSC निकल के आया बोले कि भाई 5-10 क्वेश्चन तो इस टाइप के थे आप बना सकते थे, तो उस पर कट ऑफ नहीं बनता सर, ठीक है। तो एटलीस्ट चलो वहाँ भी, अब जो वहां से भी निकल के आया वो सी सेट में पिट गया, क्योंकि यहाँ तो ह्यूमनिटीज वालों का तो बिल्कुल कत्लेआम हुआ है और हिंदी माध्यम वालों का तो खैर कहना ही नहीं है, जो रीजनल लैंग्वेजेस के हैं उनका उन पर एक अलग डिबेट है। लेकिन खैर यहाँ पे ये देखिए कि जो जेंटलमैन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं, ये सुयाश वर्मा जी, ये इनने अपना जो टेलीग्राम हैंडल के एडमिन है, ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, प्लीज़ विजिट और मैक्सिमम सपोर्ट जनरेट कीजिए, क्योंकि एस्पिरेंट कम्युनिटी को अब सपोर्ट खुद ही जनरेट करना होता है, ठीक है। वो उम्मीद नहीं कीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ आएंगे, हालांकि 2-4 टीचर निकल के आए जैसे मधुकर सर हैं, मुदित गुप्ता सर हैं, ठीक है, बट ये कैंपेन आपको खुद ही अपने लेवल पर चलाना होगा। और क्या क्या स्टेप्स लिए गए ओवरऑल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि एक केस फाइल किया, उसके पहले ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इन्हें लेटर लिखा है। देखो बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि भाई स्टूडेंट हो, UPSC के एस्पिरेंट हो, तो एक पीसफुल तरीके से करो, ठीक है, आपकी डिमांड सुनी जाएगी, UPSC इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉडी, UPSC चीज़ों को सुनती है, ठीक है। सर का गुस्सा लाजमी है यार, क्योंकि मतलब जिस तरीके से एक जो है वो कह सकते हैं कि डिजास्टर हुआ है पेपर 2 में, तो वो गुस्सा एक टीचर का, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को मेंटर करना और खास करके स्टूडेंट्स जब फोन करते हैं कि सर ऐसा हुआ पेपर कि मतलब मैं 20 क्वेश्चन ज्यादा बना नहीं पाया, तो इट्स वेरी सैड टू हियर दिस। तो PM को लेटर लिखा गया इस कॉन्टेक्स्ट में। देन उसके बाद से जो सबसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है केस सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इस केस की हियरिंग है, अब देखिए इस पर क्या जजमेंट निकल के आता है, उसके बाद आगे के क्या एक्शन होंगे, इस चीज को हमें फॉलो करना है, ठीक है। और ये ग्रुप जो है अनफेयर CSAT इन 2023, आप हालांकि मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे दे रखा है कि भाई कोई पॉलिटिकल किसी को अपोजिशन रूलिंग पार्टी वगैरह किसी को कनेक्ट करते, देखो अब प्रधानमंत्री का कोई अपोजिशन रूलिंग पार्टी से मतलब नहीं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, हम उन्हें नहीं बोलेंगे तो किन्हें बोलेंगे। एनीवे तो उसके बाद ठीक है, यहाँ आप इनको टैग कर सकते हो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और साथ में DOPT मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, ठीक है। और बाकी मैसेज को, इन वीडियोस को जितना आप फैला सकते हैं फैलाइए, ट्वीट कीजिए जाके, ट्विटर अकाउंट नहीं है तो बनाइए, बिकॉज आज हो सकता है आपको नीड ना हो, कल आपकी नीड आएगी तो फिर एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट के काम आएगा, राइट। सो
या नेक्स्ट, अब आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? देखो ये मेंस का आंसर कितना ही यहाँ वे फॉरवर्ड है। अब वे फॉरवर्ड यही है कि बी पोलाइट, और उसके बाद से मतलब एंड डोंट बी साइलेंट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब वीडियो को शेयर करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्वीट कीजिए, और बाकी इस कैंपेन को हिंदी माध्यम के लड़कों तक पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो कि दे आर इन शॉक और वाट, क्योंकि उनका कोई प्रोटेस्ट निकल के अभी आ नहीं रहा है, तो उनको भी आगे आना चाहिए। सो थैंक यू, मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और बाकी देखते हैं इस पर क्या अपडेट आता है, फिर इसको फॉलोअप करेंगे। जय हिंद।